इस वीडियो में हम बात करेंगे 1997 की फिल्म इन प्रेज ऑफ ओल्डर विमेन के बारे में, जो एक स्पैनिश नॉवल पर आधारित है। और ये कहानी है एक बेचैन रहने वाले लड़के की, जिसकी जिंदगी अपने से बड़ी उम्र की औरतों के इर्द गिर्द गुजरी, और उन औरतों से प्यार का मतलब सीखने के साथ साथ उसने अपने देश के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। 1936 में जब स्पेन में सिविल वॉर शुरू हुआ, तब रिपब्लिकन इलाके के एक बोर्डिंग स्कूल के बच्चों तक ये खबर पहुंचाई गई कि दुश्मन सेना उनके स्कूल तक आ सकती है, इसलिए उन बच्चों को उनके घर वापस भेजा जाएगा और वॉर खत्म होने तक स्कूल बंद रखा जाएगा। उन बच्चों में से एक बच्चा आंद्रेस था, जो इस फैसले से खुश नहीं था। जल्द से जल्द स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल अपने घर लौटने के लिए निकले, और बच्चों को समझाया गया कि उन्हें किसी के सामने इस बोर्डिंग स्कूल का जिक्र भी नहीं करना है, और शहर से दूर रहने की सलाह देकर उन्हें वहाँ से भेज दिया गया। आंद्रेस गेरोना में मौजूद अपने घर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी माँ अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में छुट्टियाँ मना रही थी। उसे गेरोना जाने के लिए कहा गया, क्योंकि जिस इलाके में उसकी माँ है वो दुश्मन इलाका है। इसलिए आंद्रेस गेरोना में मौजूद अपने घर की ओर एक साइकिल लेकर निकल पड़ा। वो ये सोचकर खुश था कि कुछ वक्त के लिए उसे अकेले रहने का मौका मिलेगा, पर जब वो गेरोना पहुंचा, तो उसे पता चला कि वहाँ सब कुछ बदलने लगा है। उसे ये भी पता चला कि अब उसकी माँ के घर में कुछ अनजान लोग रहने लगे हैं। उसे उसके दोस्त मैनुअल की माँ ने बताया कि उस बिल्डिंग के चौकीदार ने ये बात फैला दी कि आंद्रेस की माँ फासिस्ट है, क्योंकि वो चर्च जाती है, और तब से वो उसी घर में रहने लगा है। खुशकिस्मती से आंद्रेस की माँ शहर से दूर है, इसलिए वो लोगों के गुस्से से बच पाएगी। आंद्रेस अपनी माँ के पास जाना चाहता था, पर मैनुअल के पिता ने उसे अपने घर में रहने के लिए कहा और बताया कि स्पेन दो हिस्सों में बट चुका है, और इसलिए उसकी माँ के पास जाना उसके लिए नामुमकिन है। जिद्दी आंद्रेस ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी और उसी रात वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा। अगले दिन वो अपनी साइकिल पर दुश्मन इलाके की ओर बढ़ा, और बीच रास्ते उसके सामने कुछ लोग आ गए जो विद्रोह का हिस्सा थे। आंद्रेस को उनके कैप्टन दवालोस के पास ले जाया गया, और तब आंद्रेस ने बताया कि उसके पिता गुजर चुके हैं। माँ फासिस्ट है, पर वो खुद फासिज्म के खिलाफ लड़ना चाहता है। अपना सच छुपाने की वजह से आंद्रेस को होनोरियो नाम के एक आदमी के साथ काम करने के लिए कहा गया, जिसका पिलार नाम की एक गरीब औरत के साथ अफेयर था, और उन दोनों को साथ देखकर आंद्रेस को पहली बार समझ आया कि बड़ी उम्र के लोगों के रिश्ते कैसे होते हैं। उस कैंप में रहकर आंद्रेस को अपना बचपना छोड़ना पड़ रहा था, और धीरे धीरे वो कैंप का हिस्सा बनने लगा। एक दिन एक इंग्लिश आदमी और उसकी अमेरिकन पत्नी को कैंप में लाया गया, जो ये सोचकर परेशान थे कि उन्हें वॉर की वजह से वापस लंदन जाने नहीं दिया जा रहा। आंद्रेस के अलावा कोई भी इंग्लिश भाषा समझ नहीं सकता था, इसलिए उन लोगों की बातें ट्रांसलेट करने का काम आंद्रेस ने किया। कॉन्डेसा नाम की वो औरत बस अपने घर जाना चाहती थी, पर उन्हें जबरदस्ती उसी कैंप में रोक दिया गया। कॉन्डेसा इस सबसे बिल्कुल खुश नहीं थी, पर आंद्रेस का बर्ताव देखकर वो समझ गई कि शायद उन्हें यहाँ उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना वो समझ रही थी। उसने आंद्रेस से दोस्ती की और कहा कि वो दवालोस से बात करना चाहती है। कैंप में मौजूद दूसरे लोगों की तरह आंद्रेस भी रईस कॉन्डेसा की खूबसूरती से हैरान था, और इस बात का फायदा उठाकर कॉन्डेसा ने दवालोस से बात की और कहा कि उसके पासपोर्ट के बदले वो दवालोस के साथ एक अफेयर रखना चाहती है। जैसे जैसे कैंप में वक्त बीतता गया, आंद्रेस अपनी माँ के बारे में भूलता चला गया। वो समझ गया कि अगर वो दुश्मन इलाके में जाने की कोशिश भी करेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा, और कुछ लोग ये चाहते ही नहीं कि वॉर कभी खत्म हो। आंद्रेस के हाथों कॉन्डेसा और उसके पति के पासपोर्ट भिजवाए गए, और कॉन्डेसा के पास जाकर आंद्रेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। आंद्रेस चाहता था कि कॉन्डेसा उसे अपने साथ ले जाए ताकि वो अपनी माँ तक पहुँच सके, पर कॉन्डेसा ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि आंद्रेस के पास कोई पासपोर्ट नहीं था। आंद्रेस को बेहतर महसूस कराने के लिए कॉन्डेसा ने उसके साथ भी एक अफेयर शुरू किया, पर अगले ही दिन वो लंदन लौट गई और आंद्रेस फिर से अकेला हो गया। वो पिलार और होनोरियो को साथ देखकर और निराश होने लगा। उस दिन उसने दवालोस को दो फासिस्ट लोगों को मारते हुए देखा और अपने सामने खून होते दे वो रोने लगा। तब डर के मारे उसने सच बता दिया और कहा कि उसकी माँ फासिस्ट नहीं है और वो सिर्फ दुश्मन इलाके में जाकर अपनी माँ से मिलना चाहता है। आंद्रेस को एक सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए उसे एक सिपाही ने बार्सिलोना के अपने घर में भेज दिया। उसकी पत्नी ने आंद्रेस को अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया, और आंद्रेस की मुलाकात उसकी बेटी जूलिया से हुई, जिसे आंद्रेस का वहां आना अच्छा नहीं लगा। वो सोच रही थी कि आंद्रेस को वहां इसलिए भेजा गया है क्योंकि उसके माता पिता हमेशा से एक बेटा चाहते थे,
ना चाहते हुए भी जूलिया को आंद्रेस के साथ रहना पड़ रहा था और अपने इलाके के लोगों से वो ये कहने लगी कि आंद्रेस उसका कजिन है। एक दिन वो दोनों खाने का कुछ सामान लेकर घर लौट रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया। जूलिया को डर था कि उन्हें वो लोग अपने साथ ले जाएंगे, पर जब उन्हें पता चला कि आंद्रेस दवालोस के बटालियन का हिस्सा हुआ करता था तो उन्हें आजाद छोड़ दिया गया। जूलिया इस सब की वजह से इम्प्रेस हो गई और घर पहुंचकर वो आंद्रेस का शुक्रिया अदा करने लगी। उसी दिन वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, पर इससे पहले कि उनका रिश्ता शुरू हो पाता जूलिया की माँ ने उन्हें साथ देख लिया और उसी वक्त आंद्रेस को उस घर से निकाल दिया गया। अपने लिए एक नया घर और काम ढूंढते हुए आंद्रेस एक ऐसे इलाके में गया जहाँ चोर उचक्के और प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं। जिंदा रहने के लिए उसने काला बाजारी का काम करने का फैसला किया और शुरुआत उसने अपनी साइकिल बेचकर की। वो उसी औरत से खाने का सामान खरीदने लगा जिसके पास जूलिया उसे ले गई थी और सामान बेचकर वो पैसे कमाने लगा। कमाए हुए पैसों से वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाने की कोशिश करने लगा, पर कम उम्र होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया। आखिरकार वॉर खत्म हुआ, पर हार उन लोगों की हुई जो फासिज्म के खिलाफ थे। और एक साल बाद आंद्रेस को पता चला कि उसकी माँ आइरीन उस पार्टी का हिस्सा है जिस पार्टी ने ये वॉर जीती है। अपनी माँ की वजह से सालों बाद आंद्रेस जेल से आजाद हो पाया और सालों बाद ही एक दूसरे से मिलकर वो दोनों रोने लगे। आइरीन अब विक्टर नाम के आदमी के साथ रहने लगी थी जो आंद्रेस को उसके नए घर ले गया। जिस बिल्डिंग में वो अपनी माँ के साथ रहने वाला था वहाँ मार्ता नाम की एक औरत भी रहती थी जिसे देखते ही आंद्रेस उसे पसंद करने लगा। आंद्रेस इस बदलते देश का हिस्सा तो बन गया था, पर वो नई सरकार के खिलाफ था, इसलिए अपनी माँ को उनके लिए काम करते देख उसे अच्छा नहीं लगा। इस बीच उसे पिलार भी नजर आई, पर वो उससे मिल नहीं पाया क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ घर लौटना पड़ गया था। कुछ दिन बाद उसकी मार्ता से दोस्ती हुई और उसकी मदद करने के बहाने आंद्रेस उसके घर में गया जहाँ उसकी मुलाकात उसके पति कार्लोस से हुई। मार्ता के घर में बहुत सारी किताबें देखकर आंद्रेस हैरान हो गया और उस दिन से मार्ता ने उसे किताबें देना शुरू कर दिया। किताबों में गुम होकर आंद्रेस को खुशी मिलने लगी, पर अपनी माँ का नया रिश्ता और देश के बदलते हालात उसे खुश रहने नहीं दे रहे थे। एक रात आंद्रेस को किताबें देते हुए मार्ता समझ गई कि आंद्रेस उसे पसंद करता है और कार्लोस से ये बात छुपाकर मार्ता ने भी ये साबित कर दिया कि वो आंद्रेस को दूर नहीं करना चाहती। आंद्रेस कई दिनों तक पिलार को ढूंढता रहा और बहुत मुश्किल से वो उसके सामने आई। एक बार के लिए वो आंद्रेस को पहचान नहीं पाई, पर फिर उसे याद आया कि आंद्रेस बचपन में होनोरियो के साथ काम करता था। उसने बताया कि होनोरियो और वो शादी करने वाले थे, पर उसे मार दिया गया और अब वो अपने बेटे और दादी के साथ इस शहर में रहने लगी है। जब आंद्रेस ने उसे बताया कि वो हमेशा से उसे पसंद करता था तो पिलार बहुत खुश हुई। आंद्रेस के साथ रहकर सालों बाद पिलार को खुशी मिली, पर पिलार के साथ कुछ देर वक्त बिताकर आंद्रेस को वापस अपनी ही जिंदगी में लौटना पड़ा। उसे विक्टर ने बताया कि वो और आइरीन एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर आंद्रेस बिल्कुल खुश नहीं था। विक्टर से इसी बात पर बहस करने के बाद वो फिर से मार्ता की किताबों में खोने लगा और हिम्मत जुटाकर वो मार्ता के पास चला गया और उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। मगर कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि कार्लोस और मार्ता फासिज्म के खिलाफ है और ये सच बाहर आने की वजह से कार्लोस को गिरफ्तार कर लिया गया। आंद्रेस ने विक्टर को बताया कि वो मार्ता से प्यार करता है और वो चाहता है कि कार्लोस को आजाद कर दिया जाए। विक्टर ने कहा कि वो कार्लोस को सिर्फ तब आजाद करेगा जब आंद्रेस विक्टर की पार्टी का हिस्सा बनेगा। कार्लोस की आजादी के लिए आंद्रेस को उसकी शर्त माननी पड़ी और वो अपनी खुशी फिर से खो बैठा, पर एक रात उसने बॉबी नाम की एक इटालियन औरत को वायलिन बजाते हुए देखा। और एक दूसरे को वो दोनों देखते रह गए। बिना वक्त गवाए आंद्रेस बॉबी के पास गया और उन दोनों को साथ देखकर आइरीन भी खुश हुई। बॉबी के आने से आंद्रेस को जिंदगी में वो खुशी मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी, पर बॉबी को अगले ही दिन फ्रांस जाना था जिसकी वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा। अंत में उसने मार्ता को शहर से बाहर जाते देखा और वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। वो हर इंसान जिससे आंद्रेस प्यार करता था उसे छोड़कर चला गया। वो ये नहीं जानता था कि बॉबी उससे प्यार करती है या नहीं, पर इस बार वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फ्रांस जाने का फैसला किया जहां बॉबी भी उसका इंतजार कर रही थी। और बॉबी के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का हिस्सा बनकर वो हमेशा के लिए उसी के साथ रहने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।